हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब अ पीस ऑफ इक्विपमेंट दैट इज इम्पॉर्टेंट इन योर होम। अंदर के क्यूज हैं हाउ यू गॉट इट या फिर हु बॉट इट, व्हाट डू यू यूज इट फॉर, हाउ ऑफन डू यू यूज इट एंड एक्सप्लेन व्हाई यू थिंक दिस इक्विपमेंट इज यूजफुल। अब पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। ऐसी कोई चीज़ के बारे में बात कीजिए जो आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए महत्वपूर्ण है। ये कैसे आपके पास आई या फिर इसे किसने खरीदा, आप इसे किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, कितनी बार इस्तेमाल करते हैं और आपके हिसाब से समझाइए कि ये चीज़ महत्वपूर्ण और उपयोगी क्यों है। आज हम बात करने वाले हैं पावर बैंक के बारे में, जिससे हम फ़ोन और लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं। हम आज सिर्फ फ़ोन के पावर बैंक की बात करने वाले हैं। तो मैंने लिखा है हैव यू गॉट इट में, हु बॉट इट में पावर बैंक एंड आई, मैंने खरीदा अमेज़ॉन से, ऐसा मैं बोलने वाली हूँ अंदर। लेकिन हमें पूछा नहीं है प्रोडक्ट क्या है, फिर भी हमें बताना है प्रोडक्ट क्या है। मैंने आपके लिए कुछ और आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं, जैसे कि आप इंस्टेड ऑफ पावर बैंक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बोल सकते हैं, ब्लूटूथ स्पीकर भी बोल सकते हैं, हेयर ड्रायर भी बोल सकते हैं। सो आप चेक कर सकते हैं कि कौन से डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स, आइडियाज़, फैसिलिटीज़ इसके साथ कनेक्टेड हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको पावर बैंक पे ही बोलना है, यू कैन टॉक अबाउट अदर गैजेट्स एज वेल। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई इलेक्ट्रिकल गैजेट पे बोलना है या इक्विपमेंट पे बोलना है, यू कैन टॉक अबाउट एनी अदर थिंग ऑल्सो। ओके, सो व्हाट डू यूज़ इट फॉर में, मैंने लिखा है टू चार्ज द फ़ोन एंड हाउ ऑफन डू यू यूज़ इट, सो हम अक्सर यूज़ करते हैं, फ्रीक्वेंटली, बार बार, रोज़ यूज़ करते हैं। एंड वाई डू थिंक इट इज़ यूज़फुल, अंदर थोड़े और आइडियाज़ भी है, लेकिन इधर मैंने लिखा है इंडिपेंडेंस, यानी हमें इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है और उससे काफ़ी फास्ट चार्जिंग हो जाती है। अगर आपको मेरे आइडियाज़ की PDF बुक को ख़रीदना है तो दिए गए नंबर पे आप मुझे संपर्क करके ये बुक को ख़रीद सकते हैं। फ़िलहाल ये बुक सिर्फ सॉफ्ट कॉपी वर्जन में अवेलेबल है, लेकिन आप बिल्कुल ही इसकी प्रिंट ले सकते हैं। और इस बुक में 1 to 71 के सारे क्यू कार्ड्स हैं, उनके फॉलोअप क्वेश्चंस हैं और 159 इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप उसके बारे में जान सके। चलिए अब क्यू कार्ड को समझ लेते हैं। वन इक्विपमेंट विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन माई होम इज़ द पावर बैंक। सो आप इमीडिएटली यहाँ पे फर्स्ट क्यू का क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, कोई बैकग्राउंड बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं है। आई हैव जस्ट आंसर द फर्स्ट क्यू कि हमारे घर में एक इक्विपमेंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है पावर बैंक। वी ऑल यूज़ इट टू चार्ज अवर मोबाइल फ़ोन्स। हम सब इसका इस्तेमाल हमारे मोबाइल फ़ोन्स को चार्ज करने के लिए करते हैं। आई हैड परचेज्ड इट फ्रॉम अमेज़ॉन लास्ट ईयर। मैंने पिछले साल इसे अमेज़ॉन से ख़रीदा था। सो आपने यहाँ पे सेकेंड क्यू भी आंसर कर दिया। आई ऑलरेडी हैड वन बट इट हैड बिकम ओल्ड एंड सो इट हैड बिकम लेस एफिशिएंट। मेरे पास एक पावर बैंक था लेकिन वो पुराना हो चुका था और इसलिए उसकी एफिशिएंसी जो है, उसकी जो क्षमता है वो कम हो चुकी थी। आई गॉट इट एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। मुझे ये डिस्काउंट की कीमत में मिल गया। इट इज़ फ्रॉम द MI कंपनी एंड इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट एंड इट हैज़ अ नाइस ग्रे कलर। सो थोड़ा सा मैंने इक्विपमेंट को डिस्क्राइब किया है। आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्क्राइब द इक्विपमेंट बिकॉज वी आर टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट द इक्विपमेंट। माई फैमिली एंड आई यूज़ इट वेरी फ्रीक्वेंटली एंड ऑलमोस्ट डेली। आपको पूछा गया है हाउ ऑफन डू यू यूज़ इट, सो हम कहेंगे हम इसे अक्सर यूज़ करते हैं, ऑलमोस्ट रोज़ यूज़ करते हैं। Sometimes we forget to charge our phone and at times there is electricity failure and there is a need to use the phone. कभी कभी हम अपना फ़ोन चार्ज करना भूल जाते हैं, कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाती है और हमें फ़ोन का इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। I also use it a lot when I'm traveling. So जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो मुझे इसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। It is such a relief to have this equipment as we can rely on it for battery. सो ये इक्विपमेंट होना बहुत बड़ी रिलीफ है, एक बहुत बड़ी शांति है, क्योंकि हम उसकी बैटरी पे रिलाय कर सकते हैं। द पावर बैंक इज़ यूज़फुल फॉर reasons नॉट वन बट मैनी। सो हम अब reasons दे रहे हैं कि ये इक्विपमेंट हमारे लिए उपयोगी क्यों है। बहुत सारे reasons दिए हैं मैंने, ताकि अगर आप एक दो भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू नॉट हैव टू डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिक पावर टू चार्ज द फ़ोन। सो सबसे पहला रीज़न क्या है कि ये पावर बैंक इम्पॉर्टेंट है, कि हमें जो इलेक्ट्रिक पावर है उस पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता हमारे फ़ोन को चार्ज करने के लिए। सेकेंडली वी कैन टेक अवर फ़ोन अलॉन्ग वाइल इट इज़ गेटिंग चार्ज्ड। दूसरा फ़ायदा ये है कि जब हमारा फ़ोन चार्ज हो रहा है तो हम उसे साथ में लेके घूम सकते हैं। एडिशनली इट कैन चार्ज मोर देन वन फ़ोन एट अ सिंगल
टाइम। और तीसरा फायदा क्या है कि एक साथ ये पावर बैंक एक से ज़्यादा फ़ोन चार्ज कर सकता है। इट इज़ अ स्टाइलिश प्रोडक्ट एंड इट ऑल्सो चार्जेस फास्ट। सो ये प्रोडक्ट जो है बहुत ही स्टाइलिश है। मैंने इसकी लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाई है, मैं कौन से पावर बैंक की बात कर रही हूँ। इट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी हैवी एंड सो ईजी टू कैरी। ये बहुत हैवी भी नहीं है और इसे यहाँ वहाँ ले जाना आसान है। सो बहुत सारे हमने इसके फ़ायदे बताए हैं और रीजन्स बताए हैं कि हमें ये प्रोडक्ट उपयोगी क्यों लगता है। सो हमने सारे क्यों आंसर कर दिए। अब हम जो बोलने वाले हैं वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ताकि अगर आपको एग्जामिनर ना कहे कि प्लीज़ स्टॉप टॉकिंग, तो आपके पास ज़रूर से बोलने के लिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहेगी। व्हेन आई लुक एट द अट्रैक्टिव कलर्स ऑफ द डिफरेंट पावर बैंक्स ऑनलाइन, आई विश आई कैन बाय पावर बैंक्स ऑफ ऑल कलर्स। जब मैं अलग अलग विभिन्न कलर देखता हूँ पावर बैंक्स के ऑनलाइन में, तो मुझे लगता है कि मैं सारे ही कलर खरीद लूँ। Whosoever must have invented this gadget, it is a very thoughtful innovation. जिस किसी ने भी इस particular gadget की invention की है, वो बहुत ही सोच समझ के किया हुआ है। My power bank is compact, eye-catching and user-friendly. इसे आप आगे भी बोल सकते हैं क्योंकि ये descriptive words हैं power bank को लेके। So मेरा जो power bank है वो compact है, यानी छोटा सा है, eye-catching है, यानी तुरंत नज़र में आए ऐसा है, सुंदर है, और उसे use करना आसान है, it is user-friendly. It is a valuable possession of my family and we all use it very carefully. So ये मेरे family का एक बहुत ही कीमती possession है, हमारे लिए ये बहुत ही एक valuable चीज़ है और हम इसे बहुत ही carefully use करते हैं। So friends, I hope कि आपको मेरा ये वाला idea पसंद आया होगा। और जैसे मैंने कहा कि आप ज़रूरी नहीं है कि पावर बैंक पे बोले, दूसरे कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के नाम यूज़ करके आप यही वाले सेंटेंसेस, यही वाले डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स यूज़ करके उन्हें आइडिया को रिप्लेस कर सकते हैं। सो दूसरे लोगों से आपका आइडिया थोड़ा सा यूनिक हो जाएगा, आपको भी बोलने में आसानी हो जाएगी। इस पर्टिकुलर क्यू कार्ड से रिलेटेड जो फॉलो अप क्वेश्चन है, उसको थोड़े ही दिनों में मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लगा दूंगी। सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करते रहिए। एंड एज आई टोल्ड यू, अगर आपको बुक में से पढ़ना आसान रहता है तो आप बुक खरीद सकते हैं मेरे पास, और अगर आपको वीडियो से सुन के सीखना आसान लगता है तो आप वीडियो देख के भी सीख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।